वेलकम टू डेली न्यूज़ 24। सीएल ससुराल सिमर का टू का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अबारव जीतने वाला है सिमर से अपना चैलेंज। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर आप देखेंगे अबारव ये सोच के परेशान होता है कि आखिर वो मेहंदी के फंक्शन में कैसे पहुँचे, आखिर वो लेडीज़ के फंक्शन में कैसे जाए, क्योंकि उसने सिमर को चैलेंज कर दिया है कि वो लेडीज़ के फंक्शन में ज़रूर आएगा। इसलिए यहाँ पर अबारव विवान से जाकर भी मदद लेता है, वो मेहंदी के फंक्शन में जाने के लिए विवान से भी मदद मांगता है, लेकिन यहाँ पर विवान अबारव से साफ साफ इनकार कर देता है। वो आरफ से बोल देता है कि अगर वो लोग मेहंदी के फंक्शन में गए तो उनकी जमकर पिटाई होगी, और यहाँ पर विवान तो आरफ की मदद करने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से आरफ और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब सिमर एयरफोन पे आरफ से बात कर रही होती है, तब यहाँ पर गीतांजलि भी उसे देख लेती है और काफी ज्यादा हैरान होती है कि आखिर ये लड़की अकेले अकेले किससे बात कर रही है, ये अपने आप से कैसे बात कर रही है। तब यहाँ पर सिमर गीतांजलि देवी को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है, वो बहाना लगा के वहां से निकल आती है। लेकिन इसी के बाद यहाँ पर सिमर के होश उड़ जाते हैं जब आरव लहंगा पहनकर उसके पीछे आकर बैठ जाता है। जब यहाँ पर सिमर देखती है कि उसके पीछे जो लेडी लहंगा पहनकर बैठी हुई है वो कोई और नहीं आरव जी हैं, तो यहाँ पर सिमर के होश उड़ जाते हैं। सिमर को काफी ज्यादा हंसी आती है। यहाँ पर आरव और सिमर के बीच काफी क्यूट मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। वही अब ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि यहाँ पर आरव चैलेंज जीत तो गया, वो औरतों के फंक्शन में पहुंच तो गया, लेकिन क्या यहाँ पर आरव औरतों के फंक्शन से बाहर निकल पाएगा या फिर पकड़ा जाएगा, देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। सीएल ससुराल सिमर का टू से जुड़ा ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें।